भवेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत कर अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा के हिंदी व्याकरण चैप्टर 8 और चैप्टर 10 का एक्सरसाइज, यानी अभ्यास करें जो बच्चा है उसका हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला नंबर में है चैप्टर 8 का विशेषण। तो हम जानते हैं कि विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं हम लोग? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के जो अभ्यास करें उसका हम लोग करेंगे आज। तो पहला नंबर में है दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण शब्द लिखो। दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण शब्द लिखो। सही विशेषण शब्द लिखो। यहाँ पर 6 चित्र हैं, तो इसके में सही जो सही विशेषण शब्द है उसको हम लोग यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर ये पहला चित्र है, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, फिर चौथा चित्र, पांचवा चित्र और छठवा चित्र। तो पहले चित्र में क्या है? टेक्स्ट कमीज। कमीज के हम लोग कलर यहाँ पर बताएंगे कि ये गुलाबी कमीज। है डेक्स केले, पीले केले, पीले केले, गुलाबी पीले, ये सब क्या है? विशेषण। उसके बाद में डेक्स अंगूर, मीठे अंगूर या हरे अंगूर, जो भी लिखने से लगा मीठे अंगूर। डेक्स फूल, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे जितना भी कहिए खाली स्थान में वो क्या है कि विशेषण शब्द है। यहाँ पर है दिए गए चित्रों के ये सही विशेषण शब्द लिखो। तो ये सब क्या है जो खाली स्थान में हम लोग लिखे हैं, वो क्या है कि विशेषण है। गुलाबी कमीज, पीले केले, मीठे अंगूर, रंग बिरंगे फूल, गोल घड़ी, चालाक उल्लू। तो ये सब जो खाली स्थान में लिखा है गुलाबी, पीले, मीठे, रंग बिरंगे, गोल, चालाक, तो ये सब क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेकंड नंबर में दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। सेकंड नंबर में है दिए गए वाक्यों में जो विशेषण शब्द है उसमें गोला लगाओ। तो यहाँ पर है तीसरा नंबर में क्या है? रोटी गोल बनी है, रोटी गोल बनी है। यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? गोल। गोल जो है वो रोटी की विशेषता बताता है, है कि? तो रोटी की विशेषता बताने वाले शब्द हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण। तो यहाँ पर गोल जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। उसके बाद में छठा नंबर है मेरी जेब में 4 सिक्के हैं। मेरी जेब में
चार सिक्के हैं। तो ये जो चार है वो क्या है? विशेषण शब्द। ठीक है, यानी जेब में क्या है उसको बता रहा है, जेब में चार सिक्के, तो चार का क्या है? क्या है? विशेषण। तो अब मैं कहना था मुझे एक किलो लड्डू चाहिए, मुझे एक किलो लड्डू चाहिए। तो यहाँ पर एक किलो जो लड्डू की विशेषता होता है, जैसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। घन और घन, एक लीटर दूध ले आओ, एक लीटर दूध ले आओ। यहाँ पर दूध की विशेषता बता रहे हैं, एक लीटर दूध ले आओ, दूध कितने नाम है? एक लीटर। तो एक लीटर जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है। तो हमें वन, आसमान में काले बादल छा रहे हैं, आसमान में काले बादल छा गए। यहाँ पर बादल की विशेषता बताया है, आसमान में जैसे बादल छा गए काले, तो काले जो है वो क्या है कि विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर कितना है? सेकंड नंबर में है विशेषण शब्द पर गोला लगाया है। जैसे पहला में है रोटी गोल बनी है, तो यहाँ पर रोटी की विशेषता बता दी। यहाँ पर रोटी के आकार कैसे है, यहाँ पर रोटी के आकार गोल है, तो यहाँ पर गोल जो लिखा हुआ है वो क्या है? विशेषण शब्द है। उसके बाद में मेरी जेब में चार सिक्के हैं, यहाँ पर जेब में क्या है उसके बारे में बता रहा है, यानी चार सिक्के हैं। तो जेब में क्या है? चार सिक्के, चार जो है वो क्या है? विशेषण है। उसके बाद में मुझे एक किलो लड्डू चाहिए, यानी एक किलो लड्डू जो है वो एक किलो लड्डू की विशेषता, यानी लड्डू कितनी चाहिए? एक किलो। तो एक किलो जो है वो क्या होता है? विशेषण होता है। यहाँ घन भर में एक लीटर दूध ले आओ, दूध कितना लाना है? एक लीटर। तो एक लीटर जो है वो क्या है? विशेषण है। उसके बाद में आसमान में काले बादल छा गए, तो काले जो है क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है विशेषण को विशेष से मिलाओ और वाक्य बनाओ। तो विशेषण को विशेष से मिलाकर क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। थर्ड नंबर, विशेषण को विशेष से मिलाओ और वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। यहाँ पर विशेषण को विशेष से मिलाना है और वाक्य बनाना है। यहाँ पर है क, इधर क, एक विशेषण है और एक विशेष है। पीला कम है, हरा गम है, नीला घम है, काली वम है, सफेद कहते हैं भैंस,
ये विशेषण है जब पीला हरा नीला काली और सफेद के हैं विशेषण है और इधर विशेष है। पेड़ आसमान और क्या है फूल इतना है। इसको अभी हमें क्या करना है मिलन करना है। पीला फूल पीला के साथ फूल का मिलन हो गया। उसके बाद में बगीचे में पीला फूल खिलाया जिसका यहाँ पर वाक्य बन गया। वाक्य यहाँ पर है वाक्य बगीचे में पीले फूल खिले बगीचे में पीले फूल खिले हैं पीले फूल खिले हैं पीले फूल खिले वाक्य हो गया। उसके बाद और इसको कैसे कैसे चीज करेंगे वाक्य बनाने देखो। हरा पेड़ पहले मैच कर दे रहे हैं उसके बाद में इसको वाक्य बनाएंगे। नीला आसमान काली भैंस सफेद दूध हो गया ये मैच जिसका हम लोग वाक्य बनाएंगे ठीक है। पेड़ हरा पेड़ इसके क्या होगा वाक्य बनाने से पेड़ हरा है पेड़ हरा है एक वाक्य हो गया। उसके बाद में नीला आसमान नीला आसमान एक वाक्य आसमान नीला है आसमान नीला है। उसके बाद में काली भैंस काली है भैंस काली होती है। तो मैं सफेद सफेद दूध भैंस का दूध सफेद होता है भैंस का दूध सफेद होता है भैंस का सफेद दूध सफेद होता है ऐसे उसकी वजह से दूध सफेद होता है सफेद होता है ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं। फिर नंबर क्या है विशेषण को विशेष से मिलाओ और वाक्य बनाओ। तो हम लोग यहाँ पर विशेषण और इधर विशेष है उसको मिलाए हैं और क्या बनाए हैं एक एक वाक्य बनाया है। जैसे कि यहाँ पर पीला और फूल एक वाक्य बनाया है बगीचे में पीले फूल खिला है। उसके बाद में हरा पेड़ पेड़ हरा है पेड़ हरा है। उसके बाद में नीला आसमान आसमान नीला है। उसके बाद में काली भैंस भैंस काली होती है। उसके बाद में सफेद दूध दूध सफेद होता है। इस तरह से आप लोग को भी विशेषण को विशेषण मिला करके एक एक वाक्य बनाना है ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम फोर नंबर। फोर नंबर में है दिए गए वाक्य में से विशेषण और विशेषण शब्द चुनकर लिखो। थ्री नंबर कंप्लीट हो गया। थ्री नंबर को भी आप लोग अच्छे से समझ करके करेंगे अपने हिसाब से भी 3 नंबर को वाक्य बना सकते हैं ठीक है। तो हम अभी 4 नंबर करेंगे। फोर नंबर में है यहाँ पर दिए गए वाक्य में से विशेषण और दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष शब्द विशेषण और विशेष शब्द शब्द चुनकर लिखो। विशेषण और विशेष शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पर वाक्य में क्या क्या है क्रम वाक्य विशेषण विशेष्य क्रम वाक्य विशेषण और विशेष्य
विशेष जी। दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये क्रम संख्या जो है यहां से क्रम संख्या होगा, फिर वाक्य होगा, इतना वाक्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ विशेषण और विशेषण कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में यह क्रम में है, क ख ग घ और म, पहला वाक्य क्या है, कक्षा में 30 बच्चे थे, कक्षा में 30 पर शब्द में लिखा है 30 बच्चे थे, कक्षा में 30 बच्चे थे। फिर फल वाले ने मुझे 3 खरबूजे दिए, फल वाले ने मुझे 3 खरबूजे दिए, 3 खरबूजे दिए। पिताजी बनारस से साड़ी लाए, पिताजी बनारसी साड़ी लाए, मेरे घर की छत चौड़ी है, मेरे घर की छत चौड़ी है। नंबर में माँ ने मीठा शरबत बनाया, माँ ने मीठा शरबत बनाया। ये वाक्य हो गया, लेकिन ये क्रम संख्या है क क ग घ, यानी पांचवा यहाँ पर क्रम संख्या है, पांचवा हम यहाँ पर वाक्य बना चुके हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है, विशेषण और विशेष्य, इसमें से यानी एक एक वाक्य में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है उसको लिखना है। तो हम लोग विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन शब्दों की संज्ञा, विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। भाई यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से विशेषण और विशेष्य होता है। कक्षा में 30 बच्चे थे, तो 30 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 30 क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। 30 यहाँ पर विशेषण हो गया, और 30 क्या थे, बच्चे थे, तो बच्चे जो है वो है विशेष्य में आया है, बच्चे बच्चे जो है वो विशेष्य में आया है। उसके बाद में फल वाले ने मुझे 3 खरबूजे दिए, यहाँ पर क्या क्या होगा, 3 जो है वो विशेषण हो जाएगा, और खरबूजे, 3 विशेषण हो गया और खरबूजे, खरबूजे खरबूजे जो है वो विशेष्य में आ जाएगा। उसके बाद में पिताजी बनारसी साड़ी लाए, यहाँ पर बनारसी और साड़ी, बनारसी क्या होगा विशेषण हो जाएगा, और साड़ी जो है वो विशेष्य होगा, बनारसी, बनारसी, बनारसी विशेषण में आ गया, और साड़ी जो है वो विशेष्य में आ गया। उसके बाद में मेरे घर की छत चौड़ी है,
चौड़ी, चौड़ी जो है वो विशेषण है और छत जो है वो विशेष है, यानी छत की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। माँ ने मीठा शरबत बनाया, तो मीठा यहाँ पर होगा विशेषण, मीठा विशेषण है। और सॉरी यहाँ पर मंत्र गलत है, मीठा शरबत बनाया तो यहाँ पर मीठा होगा विशेषण और शरबत क्या होगा विशेष्य। एक ही वाक्य में एक विशेषण एक विशेष्य है। यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कक्षा में 30 बच्चे थे, तो 30 क्या हो गया विशेषण हो गया और बच्चे जो है वो क्या है विशेष्य है। उसके बाद में खाना मनोरंजन वाले ने मुझे 3 खरबूजे दिए, तो 3 यहाँ पर विशेषण हो गया और खरबूजे जो है वो क्या हो गया विशेष्य हो गया। उसके बाद में गल अमर है, पिताजी बनारसी साड़ी लाए, तो बनारसी क्या हो गया विशेषण हो गया और साड़ी जो है क्या हो गया विशेष्य हो गया। उसके बाद में मेरे घर की छत चौड़ी है, तो चौड़ी जो है वो क्या हो गया विशेषण हो गया और छत जो है वो है विशेष्य हो गया। उसके बाद में वन नंबर, माँ ने मीठा शरबत बनाया, तो मीठा जो है वो विशेषण हो गया और शरबत जो है वो क्या हो गया विशेष्य हो गया। इस तरह से आप लोग भी ये करो, ये एक्सरसाइज जो है उसको करना है। उसके बाद में आओ खेलें, इसको लिखेंगे। यहाँ पर है आओ खेलें, इसको हम लोग करेंगे अभी, यानी इसको आप लोग अपने बुक में लिख लेना, इसको उतना जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर सही विशेषण शब्द चुनकर कहानी पूरे करो, तो इसमें बॉक्स में दिए हैं विशेषण शब्द, इसको चुनकर के खाली स्थान में भरना है। तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग लिख लेना अपने बुक में, पेज नंबर 50 निकालो। बच्चे बहुत खुश थे, वे पिकनिक पर सेंचुरी पार्क गए थे। पार्क में डेक्स फूल खिले हुए थे, पार्क में सुंदर फूल खिले हुए थे। तो सुंदर यहाँ पर ये सुंदर है, इसको यहाँ लगाना है। फूलों पर डेक्स तितलियां मंडरा रही थी, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। दिव्या ने मछलियां पकड़ने का जाल डाला, मगर डेक्स भी मछली नहीं फंसी। दिव्या ने मछलियां पकड़ने का जाल डाला, मगर एक भी, यहाँ पर एक है, एक भी मछली नहीं फंसी। उधर डेक्स बबलू बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, उधर शरारती बबलू बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पर शरारती है। उसके बाद में सलफ की कमीज का रंग डेक्स है, सलफ की कमीज का रंग पीला है, यहाँ पर पीला है कि नहीं। गिलहरी की पूंछ डेक्स है, गिलहरी की पूंछ लंबी है, यहाँ पर लंबी लिखा हुआ है। वह डेक्स पेड़ की डेक्स टहनी पर बैठी है, वह मोटे पेड़ की पतली टहनी पर बैठी है। इस तरह से आप लोग भी इसको कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चैप्टर 10 को करेंगे, तो हम लोग अभी चैप्टर 10 को करेंगे। चैप्टर 10 में है काल, काल किसे कहते हैं, क्रिया के समय को बताने वाले, यानी क्रिया के समय जो बताते हैं उसके हम काल कहते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है काल का, दिए गए वाक्यों में काल के भेद पहचान कर लिखो, यानी ये जो वाक्य है इसमें काल के भेद को पहचान कर हमें खाली स्थान जो है उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मजदूर ने पानी पिया, मजदूर ने पानी पिया यानी पानी पीने का काम खत्म हो चुका है, तो वो कौन से काल में आएगा, भूतकाल। तो खाली स्थान में क्या लिखोगे आप लोग, भूतकाल। उसके बाद में गल अच्छा नंबर है, मछलियां तैर रही हैं, तो वर्तमान समय में आ रही है, यानी मछलियां तैर रही है, अभी भी वो क्या कर रही है, तैर रही है। तो ये किसमें आएगा, वर्तमान काल में आएगा। तो खाली स्थान में ख नंबर पे खाली स्थान जो है उसमें क्या लिखोगे आप लोग, वर्तमान काल। उसके बाद में ग नंबर में है, मोची ने सही नाप के जूते बनाए, मोची ने सही नाप के जूते बनाए, यानी बना उसका जूते का नाप बनाना खत्म हो चुका है, वो काम खत्म हो चुका है, तो कौन से काल में आएगा, भूतकाल में, ठीक है, बीता हुआ काल यानी भूतकाल। घर नंबर है, आन्या पौधे लगाएगी, तो आन्या जो है वो पौधे लगाएगी, यानी आने वाले समय में वो पौधे लगाएगी, तो कौन से काल में आएगा, भविष्य काल में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में है, क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो और काल के भेद का नाम लिखो। तो इसमें यहाँ पर क्रिया खाली स्थान दे दिया गया, यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसमें हम लोग सही क्रिया लगा करके लिखेंगे और वो कौन सा काल है उसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, हमें सही समय पर टैक्सी मिल डैक्स, यहाँ पर डैक्स है टैक्सी मिल गई, तो ये बीता हुआ समय है, यानी टैक्सी मिल गई, टैक्सी इन लोग को मिल गई, यानी इनके काम खत्म हो गया है, तो ये कौन सा काल में आएगा, भूतकाल, ठीक है। उसके बाद में ख नंबर है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है,
आसमान में चिड़िया उड़ डेक्स, यहाँ पर डेक्स में नोक रही है, यानी वाक्य यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया, क्रिया शब्द लगा के वाक्य कंप्लीट किए हैं, पूरा किए हैं, तो ये कौन से काल में आएगा, वर्तमान काल में आएगा, यानी चिड़िया आसमान में चिड़िया उड़ रही है, अभी भी वो उड़ रही है, वर्तमान काल में आएगा ये। उसके बाद में ग नंबर है, कल मेरा जन्मदिन है, यहाँ पर कल मेरा जन्मदिन है, अगर यहाँ पर है लगा रहे ना तो ये भविष्य काल में आ जाएगा, यहाँ पर था लगाएंगे तो ये कौन से काल में आ जाएगा, बुध काल में। यहाँ पर दो क्रिया हो सकते हैं, यहाँ पर है और था, कल मेरा जन्मदिन है तो ये भविष्य काल में आ जाएगा, कल मेरा जन्मदिन था लिखने से यहाँ पर बुध काल में आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग है लगा के यहाँ पर लिखते हैं भविष्य काल। उसके बाद में घ नंबर में है, सिया ने दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, मैंने ये काम खत्म हो चुका है, दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो प्राप्त किया तो ये कौन सा काम आएगा, भूत काल में, तो ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर करेंगे, आइए हम लोग फिर थ्री नंबर को करते हैं। थ्री नंबर में है निर्देश अनुसार वाक्य बदल कर लिखो, यानी जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग वाक्य को बदल कर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये खाली स्थान है और ये खाली स्थान है, यहाँ पर भी ये खाली स्थान है और ये खाली स्थान है। देखो यहाँ पर है, रिंकी ने साइकिल चलाई, ये भूतकाल है, रिंकी ने साइकिल चलाई यानी साइकिल चलाने का काम खत्म हो गया। उसके बाद ये भूतकाल में इसका क्या हुआ है, झलक खेल रही थी, तो झलक है वो क्या कर रही थी कि खेल रही थी, वो खेलने का काम खत्म हो गया, तो ये कौन सा काल है, दोनों भूतकाल, साइकिल चलाई और ये खेल रही थी, तो ये इसका काम खत्म हो गया, बीता हुआ काम है, तो ये कौन सा काल में आ गया, भूतकाल में। उसके बाद में इसका वर्तमान काल क्या होगा दोनों का, तो वर्तमान काल यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, रिंकी साइकिल चला रही है, तो वर्तमान में क्या होगा, रिंकी साइकिल चला रही है, साइकिल चलाई क्या होगा, साइकिल चला रही है। उसके बाद इधर झलक खेल रही थी का क्या होगा, झलक खेल रही है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसको हम लोग लिखेंगे झलक खेल रही है, और इधर रिंकी साइकिल चला रही है, ये वर्तमान में समझ में आ रहा है, वर्तमान के समय में समय को बोध कर रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा, ठीक है। उसके बाद में भविष्य काल में क्या होगा, इसका भविष्य काल तो दोनों का लिखना पड़ेगा, रिंकी साइकिल चलाएगी, यानी आगे चलकर के क्या करेगी रिंकी, रिंकी जो है आगे चलकर साइकिल चलाएगी, तो ये भविष्य काल में आएगा। फिर झलक खेलेगी, झलक जो है वो क्या करेगी, आगे खेलेगी, तो ये आने वाला समय को बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, भविष्य काल, ठीक है। तो इसी तरह ये नीचे का निधि ने, ये भूतकाल है, ये इसका वर्तमान काल को दे दिया है, निधि पौधों को पानी दे रही है, ये वर्तमान काल है, निधि पौधों को क्या कर रही है, पानी दे रही है, तो ये वर्तमान काल है। फिर पतंगे उड़ रही है, ये भी वर्तमान काल है, दोनों को वर्तमान काल दे दिया, लेकिन भूत और भविष्य काल नहीं दिया है दोनों का, तो भूत और भविष्य काल जो है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसका भूतकाल में क्या होगा, निधि ने पौधों को पानी दिया, निधि ने पौधों को क्या दिया, पानी दिया, तो ये भूतकाल है, बीता हुआ समय। उसके बाद में पतंगे उड़ी, पतंगे जो है वो उड़ी, तो ये कौन सा काल में आएगा, ये भी भूतकाल में आएगा, ये इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद में वर्तमान में इसका दे दिया गया है, में निधि पौधों को पानी दे रही है, वर्तमान काल, फिर पतंगे उड़ रही है, ये वर्तमान काल में आ रहा है, यानी जो चल रहा है समय को बोध कर रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। फिर इसका भविष्य काल में क्या होगा, निधि पौधों को पानी देगी, भविष्य काल यानी आने वाले समय को ये बोध कर रहा है, निधि पौधों को पानी देगी, भविष्य काल में इसका बोध हो रहा है। उसका भी भविष्य काल में क्या होगा, पतंगे उड़ रही है, पतंगे उड़ेगी, सॉरी यहाँ पर उड़ रही है, यहाँ पतंगे उड़ेगी, ठीक है, पतंगे उड़ेगी, ये भविष्य काल में इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये थ्री नंबर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग खालिस्तान है, जो खालिस्तान है उसमें आप लोग लिखोगे, यहाँ पर खालिस्तान है एक दो, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल का यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भूत और भविष्य का खाली है, वर्तमान काल लिखा हुआ है, यहाँ पर भूत काल लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग जो खाली स्थान है उसमें आप लोग मैं जो बता दिया हूँ उस प्रोसीजर से आप लोग भी करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है आओ खेलें, आओ खेलें का मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आयन की दिनचर्या के चित्रों को क्रम संख्या दो और डायरी लिखने में उसकी सहायता करो, तो यहाँ पर क्रम संख्या देना है और डायरी लिखने में उसकी सहायता करना है, यहाँ सबसे पहले सो के उठना, यहाँ पर वन करेंगे है कि नहीं, यहाँ पर वन होगा और ये टू थ्री फोर है कि नहीं, उठने के बाद में ये ब्रश करता है, ये वन ये टू फिर ये थ्री और ये फोर, ये फाइव ये सिक्स,
ये 7, ये 8, तो इस तरह से आप लोग क्रम संख्या देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर डेट डालना है, यहाँ पर डेक्स नवंबर डेक्स, यानी यहाँ पर नवंबर का महीना है तो नवंबर का कोई भी महीना, यहाँ पर कोई भी तारीख यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि 11 या 12, 12 नवंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 2020 लिख देते हैं, ठीक है। आज सुबह 6:45 उठ गया, 6:45, तो यहाँ पर कितने बजे उठ रही है, यानी 6:45, यानी 6 बजने के लिए 15 मिनट बचा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6:45, यानी 5:45 को उठ गया। उसके बाद में उठकर दांत साफ किया, ये उठकर दांत साफ कर रहा है कि नहीं, ये चित्र में क्या कर रही है, उठ करके दांत साफ कर रहा है। उसके बाद में ये तीसरा नंबर चित्र, ठीक 6:30 नाश्ता किया, तो ये 6:30 नाश्ता करने के बाद में रेडी हो गया है, ठीक है, ठीक 6:30 नाश्ता किया, स्कूल में पढ़ाई की और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा, स्कूल में पढ़ाई किया उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में खेलने लगा, छुट्टी के बाद घर आ गया, उसके बाद में वो क्या क्या, छुट्टी के बाद में वो घर आ गया, शाम को गृह कार्य करने के बाद मैंने शाम को गृह करने के बाद में मैंने 7:00 टीवी देखने लगा, उसके बाद में शाम को गृह कार्य करने के बाद में वो टीवी देखने लगा, गृह कार्य खत्म हो गया उसके बाद में ये 7:00 क्या कर रहे हैं, टाइम देखो, ये 7:00 टीवी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भोजन किया और 10:00 सो गया, उसके बाद में टीवी देखने के बाद में भोजन किया और 10:00, ये टाइम बता रहे हैं यहाँ पर, 10:00 वो क्या क्या सो गया। तो इस तरह से आओ खेलने का जो काम है इसको आप लोग करोगे, खाली बुक में करना है, कॉपी में लिखना नहीं है। तो ये आज का चैप्टर 8 और चैप्टर 10, चैप्टर 8 में क्या था विशेषण और चैप्टर 10 में क्या है काल, तो दोनों को आज मैं इसका जितना भी अभ्यास कर रहा था, प्रश्न उत्तर था, वो कंप्लीट कर चुका। आप लोगों का क्या काम है कि आप लोग ग्रामर यानी व्याकरण का कॉपी में और बुक में अच्छे से समझ करके लिखना है, खाली स्थान जो है उसको खाली लिख देने से नहीं होगा, क्योंकि लिखना तो सबको आता है लेकिन उसको सोच के समझ के अच्छे से जानना है, ताकि आगे क्लास में आप लोग इसी को भी फिर से दोबारा पढ़ोगे काल के विषय में या विशेषण के विषय में, तो इसे आप लोग अच्छे से सोच समझ करके लिखना है और आप लोग को याद करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आज के लिए, काफ़ी धन्यवाद।